नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी CGPC के हाल में ही 11 जनवरी को संपन्न हुआ चुनाव का विरोध शुरू हो गया है। CGPC चुनाव के उम्मीदवार व रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट हरमिंदर सिंह मिंदी ने चुनाव का विरोध करते हुए मंगलवार को DC ऑफिस पर प्रदर्शन किया। उन्होंने DC से मांग की कि चुनाव नियमानुसार संवैधानिक तरीके से नहीं हुआ है, चुनाव असंवैधानिक तरीके से संपन्न कराया गया है, इसीलिए इस चुनाव को रद्द किया जाए। हरमिंदर सिंह ने बताया कि इस चुनाव में सीताराम डेरा और टीनप्लेट गुरुद्वारा को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। यही नहीं, चुनाव संपन्न कराने के लिए बनी 5 सदस्यीय कमेटी ने पक्षपात करते हुए भगवान सिंह के कहने पर एकाएक चुनाव का ऐलान कर दिया और कहा कि चुनाव कल होगा, जबकि मतदान की तारीख की सूचना उम्मीदवारों को भी नहीं दी गई। हरविंदर सिंह ने कहा कि उन्हें मतदान की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी गई, इस तरह अन्य उम्मीदवार तैयार भी नहीं कर सके। उन्होंने मांग की है कि जिला प्रशासन असंवैधानिक तरीके से हुए इस CGPC के चुनाव को रद्द करे और दोबारा चुनाव की प्रक्रिया की जाए। हम अपने DC महोदय के साथ में उनसे मिलने के लिए आए हैं। वो सिख समाज में जो है पिछले 11 तारीख को CGPC का जो चुनाव हुआ है बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से हुआ है, जिसका ऑलरेडी जो है हमने SDO साहब के साथ में जो है ज्ञापन दिया हुआ है। आज हम DC महोदय को भी ये ज्ञापन सौंप दिए हैं और ये हमारे साथ जो ज्ञाती थी, हमें पूरी उम्मीद है कि जो प्रशासन है उस पर पूरा सहयोग करते हुए जो है इस चुनाव को रद्द किया जाए और हमारा नए तरीके से जो चुनाव कराना है। हमें उम्मीद है कि DC साहब जो उसको पूरा ध्यान रखते हुए जो है इस चुनाव को रद्द कराएंगे। आप क्या है? आज हम काला बिल्ला लगाए क्योंकि हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा ये बहुत ही हमारे सिख समाज के जो संविधान के साथ जो है वो बहुत छेड़छाड़ हुई है और अनैतिक रूप से जो है ये काम हुआ है, जो इलेक्शन हुआ है, हम इसका बिल्कुल विरोध किए हैं और DC साहब से यही उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव को जो है रद्द करके जो है अपनी देख रेख में नया चुनाव करवाएं। प्रपंच बता दीजिए। मैं हरमिंदर सिंह CGPC का उम्मीदवार एवं CG पालन गुरुद्वारा का प्रेसिडेंट।